एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल देसी तरीके से, ये है कड़कनाथ चिकन, जो कि बिहार में बहुत कम ही मिलती है। तो चलो मैं इसे अब बना के आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं ये कड़कनाथ चिकन कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है। अब मैं इसमें सरसों का तेल मिलाऊंगी। सरसों का तेल गरम होने के बाद मैं इसमें ये मैंने जो पहले से प्याज कट करके रखा हुआ था, और ये है आलू जो कि मैं ऐसे ही से छील के रखी हुई हूँ, तो मैं इसमें आलू भी ऐड करूँगी। तो आप अपना देख लेना, आपको पसंद है तो रख सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो फ़ौरन में मैंने ये सूखी तेज पत्ता लिया है और ये लाल मिर्च ली है। तो मैं ऐसे ही रफली इसको ऐसे ही तोड़ के डाल लूँगी, और उसके बाद जो ये प्याज और ये आलू है इसे भी मैं इसमें ऐसे डाल दूँगी। अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। हमारा चिकन भी धुल के रेडी हो चुका है। तो चलो अब मैं इस प्याज में चिकन को ऐड करूँगी। ढक के 5 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी। अब मैं इसे चला के देखूंगी। तो देखिए हमारा प्याज अब धीरे धीरे गलने लगा है। तो चलो मैं अब इसमें सूखे मसाले ऐड करती हूँ। सूखे मसाले में मैंने ये 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है, 2 चम्मच धनिए का पाउडर लिया है, 3 चम्मच सूखी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इन सभी मसालों को मैं अच्छे से मिला देती हूँ। मिलाने के बाद फ्लेम को लो करके इसे ढकने में रख देती हूँ। तब तक कुछ खड़े मसाले मैं पीस के रेडी कर लेती हूँ। इसमें मैंने ये काली मिर्च ली है, और ये जीरा लिया है, और ये 2 लहसुन लिया है। तो चलो मैं इसे ग्राइंड करके आती हूँ। मसाला पीस के रेडी हो चुका है, अब चलो मैं इसमें मिलाती हूँ। के बाद अब इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करूंगी। तो नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिलाना है, और इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 टू 15 मिनट्स तक ऐसे ही चला के भूनना है। देखिए 10 से 15 मिनट बाद हमारा मसाला
होने के तैयार हो चुका है, लेकिन मैं इसे अभी थोड़ा और भूनूंगी। तो इसे 5 से 10 मिनट और भूनते हैं। और ये कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं मैंने, तो चलो मैं इसे अब ग्राइंड करके आती हूँ। मेरा गरम मसाला भी पीस के रेडी हो चुका है। अब चलो मैं चिकन देखती हूँ मेरा चिकन कितना फ्राई हुआ। तो ये देखिए साइड साइड से तेल छूटने लगा है, तो हमारा चिकन भी फ्राई होके रेडी हो चुका है। तो अब मैं इस पे पानी ऐड करूँगी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसे हाई फ्लेम पे इसे एक बॉयल आने तक इसे पकाएंगे। उसके बाद लो फ्लेम करके 20 to 30 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। ये बहुत हार्ड होता है, इसलिए इसे पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। 10 से 15 मिनट पे मैं इसे चलाती रहूँगी। अब चिकन हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें गरम मसाला रख दूंगी। इसके बाद ढक्के में गैस को बंद कर दूंगी।